हेलो हेलो हाय माय सेल्फ डॉक्टर मिस्टर गुलाटी यू आज भी मैं करने दूंगा यार मैं जानबूझ के हर बार जाता हूँ कि तुम गिराते हो तो मेरा बेनिफिट हो जाता है आज तुमने डेढ़ शाने हेलो यू आर अ ट्रेंडसेटर लुक एट यू आई लव योर टोमेटोस बहुत अच्छा I'm Dr. Mishra Gulati, HNY. HNY क्या मतलब? पहला HNY Happy New Year, दूसरा HNY Himesh and Yulia. इतना नहीं पता अभी कोई आदमी विश कर रहा है. इतना नहीं पता तो 8 दिन हो गए नए साल चढ़े को. अब आपके विश कर रहे हैं आप. तो लगवा देते ना मेरा वीजा में रोमानिया जाके विश करके आ जाता. Yulia, I must say you have a power of 5. Actually figure out why I'm upset. Yes. Because मैंने आपको letter लिखा था. You wrote down a letter. I had written a letter to you. Oh. You can see the letter this I had written to you. Oh. You have not replied to me. ये आपने लिखा है. हाँ जी. तो उनके पास होना चाहिए ना आपके पास क्यों है? तो फिर मैंने लिखा तो मेरे पास ही होगा ना तुम्हारे पास थोड़ी होगा. पागल है? मैं पागल वाली क्या बात है? इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है महेश जी इस आदमी को. हाँ जी 2017 के स्टुपिड पर्सन ये आप ये कह लीजिए स्टुपिड नवा साल हो गए. इट डजंट नो द सेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ. अच्छा कोई नहीं इतनी इंग्लिश ना बोलो कल भी बोलनी है क्या हुआ? मैंने ये लेटर लिखा. हाँ मैंने इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. ओके अच्छा मेरे को नहीं पता था भी रोमानिया कहीं बाहर है. मेरे को लगा गुजरात में है भुज के पास. वो वापस ले आए मैंने मेरे पास लेटर. ओ डॉक्टर साहब आप बड़े क्यूट. मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से. हाँ जी मैंने आज से आपके साथ लड़ना नहीं है. मैंने सीधे मुक्के मारने हैं आपको. ओके दिस लेटर आई हैड रिटन टू यू वी सुंट माय मिटस निरसाव फाटानु पोआटे इंद्रजानिशा युबे आशका. आ ओके या मेक्स सेंस. व्हाट इज दिस? आई हैव नो आईडिया. मैंने ना आई हैव नोटिस्ड वन थिंग बट इंटरनेट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना आप. डजंट मेक एनी सेंस. कड़क है जी. यू हैव मेनी लेटर्स देयर? नो नो दिस इज माय एल्बम. Oh, your album. My wedding. Lucky you. This is my wedding album. So why are you writing now to me if you're married? Why? I'm throwing your tomato. No, this album is not seen by my wife at all. And nobody have seen his wife at all. He take a dupatta. He look himself in the mirror and he feels he's his wife. Okay. So you looked into the mirror and said, "Will you marry me?" वैसे डॉक्टर साहब शेरवानी आपने बहुत अच्छी पहनी है. ओह थैंक यू सो मच. कहाँ से बनवाई आपने? बनवाई नहीं एक्चुअली मैं जी क्या था कि दिलेर मेहंदी साहब का शो था वो कर नहीं पा रहे थे. मैं शो करने चला गया और वहाँ पे हालांकि मैं बैक करके गा रहा था फिर भी लोगों ने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ. अच्छा दैट इज व्हाट इट हैपेंड. आपने वहाँ गाना गाया? नहीं मैं दिलेर मेहंदी बन के वहाँ तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा था लोगों का. वेलकम टू कपिल शर्मा शो और मेरे कोई दोस्त हंसते रहो मुस्कुराते रहो. ये क्या मतलब हुआ यार? गाना ही गाया. ऑफ कोर्स गाना गाया. ठीक है ना हमारे पास नई टैलेंट है साड़ियां पहन के पैसे कमाने का. अब बोलो हैं सुबह डॉक्टर शाम को साड़ी. अच्छा बताओ सही फिर हुआ क्या? अच्छा हुआ ये कि मैं प्रोग्राम कर रहा. आई डोंट नो कैसे उन्होंने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी हूँ. एक्चुअली आपने मेहनत तो बड़ी की. हाथों में मेहंदी भी लगाई आपने ना. दिलेर भी पूरे हैं बेइज्जती करवाने आते भी रहते हैं. मैं भी हैरान हूँ आपको कैसे मतलब. एंड यू वोंट ट्रस्ट कपिल शर्मा हिमेश जी वहाँ पे ना यूलिया देयर वाज 10,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. ओह एंड जैसे मैंने दो तीन लाइनें गाई लोग वापस जाने लगे. ऐसा नहीं भी सारे लोग चले गए 6-7 लोग बैठे भी हुए थे वहाँ पे. तो मैंने उनके लिए गाना गाया एंड मुझे तो तब पता चला कि इनको पता चल गया मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ जब उन्होंने मेरे पे टमाटर वगैरह मारे. एंड अप्रिशिएट किया आपको. तो फिर वो भीड़ ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया. सिद्धू साहब जो नॉर्मल भीड़ करती है बाल खींच के रगड़ना घिसीड़ना कपड़े फाड़ना वो उनका रेगुलर जो होता है. डॉक्टर साहब आराम से बैठिए पीछे गद्दी है ना. हाँ जी आराम से बैठिए. अच्छा सॉरी मैं पीछे ऐसे आराम से बैठिए आप. ऐसे कौन क्वेश्चनिंग करता है भाई.
असल मैं करता भाई अलम। डॉक्टर साहब संगीत का आपको कुछ पता है? आप इधर आके हिमेश से बात कर रहे हैं, यूलिया से बात कर रहे हैं, वो कितने टैलेंटेड लोग हैं, क्या पता आपको संगीत का? आई हैव रियलाइज्ड हिमेश जी, यूलिया, म्यूजिक में बहुत हीलिंग होती है, पावर होती है। तेरे फूफा जी यहाँ पे बीमार बैठे हुए जो वही कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी पैसे लिए, वो अपना काम नहीं करेंगे? तो टाइम आए तो काम करें ना, दूसरे के चुटकुलों में क्यों घुस रहे हैं? म्यूजिक हैज ग्रेट हीलिंग पावर। हीलिंग पावर की बात कर रहे हैं, मैंने ना एक पेशेंट आया व्हीलिंग चेयर के ऊपर। मैंने व्हीलिंग चेयर क्या होती है? अनपढ़ आदमी को सोनी साहब ने शो दे दिया है। व्हील चेयर होती है, व्हीलिंग चेयर कौन होती है? तो मैंने चीज एक्स्ट्रा ही लगाई है, कम तो नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? वो मेरे पास आए ऐसे, व्हीलिंग चेयर पे नहीं, व्हीलिंग चेयर पर्सन पे आए होंगे फिर। इसमें भी पर्सन लगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.